22 जनवरी को देश के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पूरे देश में इस दिन दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन जब करीब 500 साल पहले मुगलों ने श्री राम मंदिर को खंडित किया था, तब श्री राम के वंशजों ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक श्री राम मंदिर की स्थापना नहीं होगी, तब तक वो पगड़ी और खड़ाऊ धारण नहीं करेंगे। और अब उनकी इस प्रतिज्ञा को 22 जनवरी को पूर्ण किया जाएगा, जिसको लेकर उत्तर भारत के कई इलाकों से उनके लिए पगड़ी और वस्त्र भेंट के रूप में भेजे जाएंगे। ये प्रभात फेरी, जो ये पगड़ी है, अयोध्या के अंदर जो श्री राम मंदिर बनने वाला है, वहां पर एक कहानी ऐसी भी है जिसे आज उजागर करना और बताना ही समय की जरूरत हो गई है। वहां पर जो राजा गजराज सिंह थे, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, जब राम मंदिर को तोड़ा, तो उसकी रक्षा करते हुए वो मारे गए। तो वहाँ के जो 215 क्षत्रिय सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशज के जो गांव हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा, जब तक वो सर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे, पाँव में जूते नहीं पहनेंगे, सर पर छतरी नहीं रखेंगे। तो आज जब राम मंदिर वहाँ पर बनने वाला है, 500 वर्षों से जो उनकी प्रतिज्ञा आज पूर्ण होने वाली है, तो आज करनी सेना ने यह अभियान चलाया कि वो यहाँ पर जो हमारा हरियाणा का जो समाज है, जो सर्व समाज है, सभी के सरदारी के हाथ लगवाकर, और जो आसपास के जो राज्य हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, सभी के हाथ लगवाकर हम इस पगड़ी को अयोध्या लेकर जाएंगे और सम्मान के साथ उनको ये पगड़ी वहाँ पर पहना कर आएंगे।